बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू अलीज़ा व्लॉग्स। आज हम लोग बना रहे हैं रशियन सैलेड। इसके लिए हमें चाहिए होगी 1 कप मैक्रोनी। मैंने मैक्रोनी को बॉईल कर लिया है। 2 मीडियम साइज़ के एप्पल्स को मैंने क्यूब्स में कट कर लिया है। 4 से 5 पाइनएप्पल्स को के मैंने क्यूब्स बना लिए हैं। अगर आप लोग के पास फ्रेश पाइनएप्पल हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप लोग के पास फ्रेश पाइनएप्पल नहीं है तो आप लोग कैन वाला पाइनएप्पल्स भी यूज़ कर सकते हैं। 1 बंच मैंने ग्रेप्स के लिए हैं, उसको मैंने 20 से हाफ कर लिया है। अब आ जाते हैं हम लोग सब्जियों की तरफ। 1 कप मैंने मटर को बॉईल कर लिया है। 2 मीडियम साइज़ के आलू को मैंने क्यूब्स में करके मैंने बॉईल कर लिया है। इसी तरीके से मैंने गाजर को भी क्यूब्स में कट करके बॉईल कर लिया। यहाँ पे 1 कप मायनीस है, 1/2 कप फ्रेश क्रीम है। फ्रेश क्रीम अगर आप लोग के पास अवेलेबल नहीं है तो आप लोग किसी भी कंपनी का भी ले सकते हैं क्रीम। क्रीम को मैंने बीट करके फ्रिज में रख दिया था ताकि ये ठंडी रहे। 1 टेबल स्पून मेरे पास हनी है। 1/2 टीस्पून से कम मेरे पास यहाँ पे नमक है। 1 टेबल स्पून जो है मेरे पास यहाँ पे लेमन जूस है। 1 टीस्पून मेरे पास यहाँ पे कुटी हुई काली मिर्च है। 1 टेबल स्पून मेरे पास शुगर है। ये यहाँ पे अखरोट 1 कप है और किशमिश मैंने यहाँ पे 1 कप यूज़ किया है। आप लोग अपने ड्राई फ्रूट्स और चीनी की मिकदार जो है अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग चलते हैं बनाने की तरफ। सबसे पहले हम लोग 1 कप मायनीस के अंदर 1/2 कप फटी हुई क्रीम को डाल के मिक्स कर लेंगे। अब मैं इसमें 1 टेबल स्पून चीनी डाल रही हूँ। आधी से थोड़ा कम नमक डाल रही हूँ। 1 टेबल स्पून में यहाँ पे शहद डाल रही हूँ। एक टीस्पून में यहाँ पे डाली हूँ लेमन जूस। 1 टीस्पून में यहाँ पे डाल रही हूँ काली मिर्च। और अब इन सारी चीज़ों को डाल के हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मैंने इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिया है और हमारे पास कुछ ऐसा सा मिक्सचर बन गया। अब इसको हम एक साइड पे रख देंगे और अपने सारे फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को एक बाउल के अंदर डाल के अच्छे से मिक्स करेंगे और उसी के अंदर मैक्रोनी भी शामिल कर लेंगे। अब मैं इसके अंदर सारी मैक्रोनी डाल रही हूँ। ये सारी सब्जियाँ और ये सारे फ्रूट्स। अब इन सारी चीज़ों को डाल के अच्छे से हम लोग मिक्स कर लेंगे। अब हम लोग अपने ड्राई फ्रूट्स की तरफ चलते हैं। ड्राई फ्रूट सारे हम लोग डाल देंगे। पहले मैंने अपने सारे वॉलनट्स डाल दिए हैं और उसके बाद ये सारे मैंने अपने किशमिश डाल दिए हैं और इनको फिर से हमने अच्छे से मिक्स कर लिया। जब एक दफ़ा अच्छे से मिक्स हो जाए तो इसके बाद हम लोग अपना जो मायनीस वाला मिक्सचर हमने बनाया था अब हम उसको डालें। अब मैं इन सारे फ्रूट्स के अंदर मैंने मायनीस वाला मिक्सचर पहले तैयार करके रखा था उन सबको इसके अंदर मैं डाल दूँगी और फिर हम लोग अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मैंने इन सबको अच्छे से मिक्स कर लिया है और ये कुछ ऐसा बन गया। अब हम लोग इसको सर्व कर लेंगे। जी तो व्यूअर्स, हमारी रेसिपी सारे तैयार हो गई है। अगर आप लोगों को हमारी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।